तो हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल MRP व्लॉग्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं खड़ा हूँ दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड पर, जहाँ पर मैं आपको आज देने वाला हूँ दिल्ली से उत्तराखंड के जितने भी मोस्टली जो शहर हैं यहाँ से कवर होते हैं बसेस से। ऑर्डिनरी जो बस मेरे पीछे खड़ी है, इन बसों से आप साइज़ में थोड़ी सी छोटी होती है, क्योंकि उत्तराखंड में हिल स्टेशन है तो वो इसलिए इन साइज़ों में थोड़ी छोटी बस होती है, लंबी बसें नहीं जाती। बाकी यहाँ से अगर मैं बात करूँ कौसानी तक आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जो वहाँ पे वो खड़ी हुई है डायरेक्ट कौसानी। और दिल्ली से नैनीताल की अगर आपको बस चाहिए ना दोस्तों, इसका किराया 400 से लेकर 450 के लगभग होता है, 450-60, ठीक है। और ये डायरेक्ट आपको अभी निकलेगी 9 बजे से 10 बजे तक, 2 से 3-4 बस चलती हैं और ये आपको डायरेक्ट नैनीताल छोड़ देंगी सुबह। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली में और चीप जो है वो कम पैसों में अच्छा सफ़र करना चाहते हैं तो दोस्तों ये बसेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी। 2-3x2 की इनकी सीटिंग रहती है, टाइमिंग और पंक्चुअलिटी में एकदम सही है। सुबह ये आपको यहाँ से 10 बजे निकलेगी ये वाली बस, तो आपको लास्ट बस ये 10:30 की होती है, यही बस आपको सीधा वहाँ पे 9 बजे नैनीताल छोड़ देगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलिए चलते हैं, अंदर से भी बसेज दिखाता हूँ, एक एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ दोस्तों। बाकी हमारी जो UP रोडवेज की बसेज है ये तो आपको ईजिली जितने भी उत्तराखंड से पहले जहाँ जहाँ जाता है वहाँ छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दिल्ली से लैंस डाउन अगर किसी को जाना है तो वो क्या कर सकता है, दिल्ली से कोटद्वार जा सकता है उत्तराखंड की बसेज से, और उत्तर प्रदेश की बसेज आनंद विहार से मिल जाएगी आपको कोटद्वार जाके। वहाँ से ईजिली 50 से 100 रुपये लगेंगे आपके, जो वहाँ पर छोटी टैक्सीज भी चलती है और उत्तराखंड की बसेज वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। तो लैंस डाउन भी ईजिली जा सकते हैं, कौसानी जा सकते हैं, नैनीताल जा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं काफ़ी सारी बसेज हैं, इवन उत्तर प्रदेश परिवहन की बसेज भी हैं, वो भी आपको उत्तराखंड जो है वहां पे छोड़ देंगे। जैसे हल्द्वानी भी जाती है, कोटद्वार भी जाती है, बाकी उत्तराखंड की बसेज तो हैं जी। देखिए सारी लाइन में लगी हैं, और देखिए ये जो बस मैं आपको दिखा रहा था काठ गोदाम डिपो की, ये बस है सीधा ये आपको नैनीताल छोड़ेगी दोस्तों। यही बस है वो, अभी ये लाइन में लगी हुई है, 9 बजे की ये जो है बस निकलती है काठ गोदाम डिपो की। देखो दोस्तों एक येरी बस 9:15 ये निकल जाती है लास्ट। ये देखिए बागेश्वर कौसानी वाली बस है, आपने देखा जो पीछे ये मेरी बस है ये डायरेक्ट आपको कौसानी लेके जाएगी। कौसानी जो बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है उत्तराखंड का, मैं गया हूँ, अगर आप चाहें तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप देख सकते हैं। नैनीताल उत्तराखंड की हर जगह की बसेज आपको आनंद विहार से मिल जाएंगी, इवन यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो बसें हैं वो भी जाती हैं। यहाँ से डायरेक्ट लैंस डाउन की बस नहीं है, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ जो है कोटद्वार तक आपको बस मिलेगी। मैंने पहले भी एक बस दिखाई थी यहाँ पे, देखिए दिल्ली और नेपाल, ये जो बस है लग्जरी ये बस है, दिल्ली और नेपाल की जो फ्रेंडशिप पैसेंजर बस है ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो नेपाल की बसेस भी आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल रही है, तो ये बहुत ही, और यूपी के लिए तो आपको यहाँ से ऑलरेडी मिली जाएंगी। तो ये जितनी भी है, देखिए ये काशीपुर डिपो की है, वो कौसानी जाएगी, तो लाइन से लगी हुई हैं। तो आप चाहें तो रात को यहाँ पर 8 से 8:30 के बीच में लास्ट जो बस है उत्तराखंड की वो 10 बजे निकल जाती है। बाकी हल्द्वानी के लिए तो 11 और 12 बजे भी आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। ये है दिल्ली टू नैनीताल डायरेक्ट बस आपको मिलेगी, ये जो बस है आपको दोस्तों ये निकल जाती है यहाँ से 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। यहाँ दिल्ली से नैनीताल की 2 बसें 3 बसें आपको मिल जाएंगी, और ये जो आपको डायरेक्ट सुबह 8:30 बजे के करीब आपको सीधा नैनीताल छोड़ देगी, तो जिसका किराया दोस्तों 400 से 500 के बीच होता है। ये देखिए
दोस्तों ये वीडियो अगर यूपी उत्तर प्रदेश जाने आने वाले देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी बसें निकली हैं। जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी कौशाम्बी के जस्ट बगल में जो कौशाम्बी बस स्टेशन है वहाँ की डाली थी, वहाँ से अयोध्या की भी डायरेक्ट बस मिलती है। तो यहाँ से मोस्टली जितनी भी यूपी की बस है वो तो ऑपरेट होती ही हैं। उत्तराखंड के लिए सबसे बढ़िया जगह आनंद विहार जो है बस स्टैंड है, यहाँ से ईजिली हर जगह की बस आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ से अगर मैं कहूँ ये वाली बस जो है यहाँ से सीधा दोस्तों सेम वैसी ही बस है 3x सीटर की, ये यहाँ से सीधा बागेश्वर और कौशानी आपको छोड़ेगी सुबह 10 बजे। अभी 10:45 बजे यहाँ से निकलेगी और 10 बजे आपको वहाँ छोड़ देगी। तो रानीखेत यहाँ से जाएगी बस, नैनीताल होते हो रानीखेत जाएगी और बागेश्वर जो आपने जगह सुनी है उत्तराखंड में वो भी जाएगी। ऐसा उत्तराखंड का मोस्ट प्रोबेबली बहुत लिमिटेड जगह है जो आपको कवर यहाँ से नहीं होंगी, बट मोस्टली सारी कवर यहाँ से हो जाएंगी दोस्तों। अगर आपको नैनीताल जाना है बाई वॉल्वो तो उसका एक ऑप्शन मैं आपको बता दूं। देखिए ऑर्डिनरी बस का तो ऑप्शन मैंने बता दिया, ये आपको छोड़ देगी डायरेक्ट नैनीताल भी, और हल्द्वानी जाना चाहते तो हल्द्वानी तक भी इजीली छोड़ देगी, ठीक है। और अगर आपको जाना है वॉल्वो के साथ जाना है थोड़ा एसी कंडीशन में क्योंकि गर्मी आ गई है, तो ये बस आपको इसका जो किराया स्टार्ट हो जाता है 600-700 रुपये से स्टार्ट होता है सीट वाइज, ठीक है। ये आपको हल्द्वानी छोड़ देगी और हल्द्वानी से तो आपको ईजिली जो बसेज भी नैनीताल के लिए मिल जाएगी, प्लस आपको वहाँ से जो कार होती है वो भी मिल जाएगी। तो इजीली वहाँ से आपके 150 रुपये लगते हैं और बस में भी आपके 100 रुपये करीब लगते हैं। तो आप ये ऑप्शन भी ले सकते हैं। देखिए इसको आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं उत्तराखंड की वेबसाइट से, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो भाई वॉल्वो में जाना चाहते हैं वो वॉल्वो से जा सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑर्डिनरी की बात में रही तो ये ऑर्डिनरी बसेज हैं, काफ़ी ठीक ठाक इनकी सीट होती है दोस्तों, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। देखिए दोस्तों ये बस जा रही है रामनगर उत्तराखंड के, उसके बाद रामनगर के बाद जो होता है कोटद्वार आता है। तो आप अगर चाहें लैंसडाउन जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहां से आप कोटद्वार जाइए, ठीक है। कोटद्वार तक की आपकी टिकट जो है 300 रुपये के 325 के करीब लग जाएगी, ठीक है। ये देखिए भारत और नेपाल, ये देखिए दिल्ली से सीधा नेपाल जा रही है बस, ये यहां से सोचिए दोस्तों आनंद से आप सीधा नेपाल भी जा सकते हैं। और उसकी जो टिकट है वो लगती है मेरे ख्याल से दोस्तों 1200-1300 के करीब लगती है, ठीक है। देखिए काफ़ी जो है बड़ा अच्छा बस स्टेशन है। तो दोस्तों जैसा कि ये वीडियो मेरे बनाने का पर्पज़ ये था कि इन्फॉर्मेशन आपको पता चले कि यार उत्तराखंड में जो हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह आपके पैसे ज़्यादा ही लगेंगे, नॉर्मल बसेस भी जाती हैं उत्तराखंड की। तो उससे भी अगर आप सोलो हैं, अगर आप सोलो हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप इन बसेस को ट्राई करिए। अगर आप फैमिली के साथ हैं ना तो भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, सेफ है पूरी जो है सेफ्टी के साथ फैमिलीज भी आ जाती हैं दिन और रात दोनों में, तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है मुझे लगा ये आपको बताने चाहिए। मेरी जब भी जर्नी इससे होगी आने वाले दिनों में, मैं इन्हीं बस से जर्नी करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा ताकि आपको पता चले। नेक्स्ट मंथ से मैं स्टार्ट करूँगा, फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ उज्जैन थोड़े दिनों बाद, तो वो वीडियो आप जरूर देखना, उज्जैन की सारी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए हमारे पीछे देखिए यहाँ से रात को 8 बजे के बाद यहाँ पे जो है सारी की सारी बसें उत्तराखंड की लगने लग जाती हैं, ठीक है। दिल्ली और नैनीताल की बस यहाँ पे लगती है, अगर मैं बताऊँ तो 156-57-58 इन पे लगती है। यहाँ पे जो है सारा उत्तराखंड की बसें लगती हैं, उसके पीछे जो है वो यूपी रोडवेज की बसें लगती हैं। यहाँ पे अगर आप वेटिंग करना चाहते तो बैठ सकते हैं, खाना पीने की चीज़ें खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी। यहाँ से देखिए टकनपुर की बस आई है, ये टकनपुर तक की बस यहाँ से जाती है, बहुत ही अच्छा जो ऑप्शन है। ये दोस्तों ये है वॉल्वो जो आपको रुद्रपुर हल्द्वानी होते हुए सीधा हल्द्वानी छोड़ेगी, वहाँ से आप इजीली नैनीताल जा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा। तो आनंद विहार से अल्मोड़ा के लिए भी आपको बहुत ही अच्छी जो है बस मिल जाएगी, जो कि उत्तराखंड की अल्मोड़ा की, जो कि रात को 9 बजे डेली यहाँ से निकलती है। वैसे तो कई सारी बसें हैं यहाँ से, जो अल्मोड़ा की बस है वो 9 बजे निकलती है, रानीखेत की बस है, मतलब अगर आप शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बसेस चाहें उत्तराखंड की, यहाँ से ईजिली आपको मिल जाएगी। तो मैं यही इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप कम पैसों में अच्छी सुविधा से यहाँ से जा सकते हैं दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड से। दोस्तों बात करूँ उत्तर प्रदेश की, देखिए जैसे दिल्ली बदायूं, बरेली, ठीक है, और नजीबाबाद हो गया, आपने काफ़ी सारे जो शहर हैं उत्तर प्रदेश के यहाँ से कवर होते हैं। अयोध्या भी जा सकते हैं आप यहाँ से, देखिए काफ़ी सारी बसेज लगी हैं। देखिए ये दिल्ली का जो फरूखाबाद है यहाँ पर आ सकते हैं, देखिए तो काफ़ी सारी बसेज यहाँ से ऑपरेट होती हैं।
अगर मैं बात करूं दिल्ली के आनंद विहार आप पहुंचे कैसे, सबसे पहले तो वो रहा मेट्रो स्टेशन, दिल्ली का मेट्रो स्टेशन आनंद विहार का वो रहा, मेट्रो से आ सकते हैं। प्लस आपको अगर दिल्ली की ये बसेज है, दिल्ली के किसी भी कोने से आप आनंद विहार इजीली आ सकते हैं। आनंद विहार की ये दिल्ली की लोकल बसेज है DTC की, और वो रहा मेट्रो स्टेशन, तो आप आनंद विहार इजीली आइए। और यहाँ पे उत्तराखंड से लेकर हर उत्तराखंड की सारी बसेज आपको यहाँ पे मिलेगी और उत्तर प्रदेश की भी। तो ये है आनंद विहार ISBT मेट्रो स्टेशन, इजीली आप यहाँ पे आ सकते हैं, गेट नंबर 2 से उतर सकते हैं, और गेट नंबर 2 के उतरने के बाद आप सीधा जा सकते हैं अंदर, जहाँ पे आपको पहले दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, और सबसे लास्ट में उत्तराखंड की बसेज आपको मिलेंगी। और अगर मैं बात करूँ रेलवे स्टेशन की, तो आनंद विहार का रेलवे स्टेशन भी जस्ट बगल में ही है। अगर हम यहाँ से कोई जर्नी करेंगे तो मैं आपको ज़रूर वो वीडियो भी आपको दिखाऊँगा। तो ये है रेलवे स्टेशन आनंद विहार टर्मिनल, और इसके जस्ट बगल में ही है बस स्टैंड। तो अगर आप ट्रेन से जाना चाहें तो आनंद विहार यहाँ से आ सकते हैं इजीली, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन के लिए था, लोकेशन के लिए, सामने मेट्रो है, सामने बस स्टैंड है, तो इजीली ऑटो वोटो से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, दिल्ली के आनंद विहार से उत्तराखंड के कई शहरों के कई हिल स्टेशन जो हम घूमना चाहते हैं, या फिर घूम के अगर आप आ भी चुके हैं तो किस तरह से हम सोलो हैं या फिर फैमिली के साथ हैं, किस तरह से कम पैसों में अच्छी सुविधा के साथ हम जा सकते हैं। उत्तराखंड में नैनीताल हो गया आपका, आपका लैंसडाउन हो गया, अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत हो गया, काफ़ी सारी बागेश्वर, कौसानी, मतलब काफ़ी सारी जगह जो आप इजीली यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हमारी अगली जब भी जर्नी होगी उत्तराखंड की, तो वो इन्हीं बसेज से करूँगा, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, तो उसके लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। और थैंक यू सो मच दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो।